सोना और कुछ नकदी लेकर चले गए थे हथियार की नोक पे कर्मचारियों को डराकर। उसमें पूर्व में हमने 3 मुलजिम गिरफ्तार किए थे, इसकी सूचना भी आपको दी थी। उसके बाद गत दिनों में 4 और मुलजिमानों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। घटना में जो शामिल गैंग था उसके सभी सदस्य पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे सूचना के आधार पर, पूरी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने जो घटना में 1 लाख से अधिक रुपये गए थे उनको भी रिकवर किया है। और साथ ही लगभग 3 करोड़ रुपये अनुमानित मूल्य का सोना जो कि इस घटना में चला गया था, पुलिस उसको भी रिकवर करने में सफल रही है। विशेष बात यह रही है कि इसमें जो घटना में जो कर्मचारी की भूमिका थी संजय सिंह, उसको उससे पूछताछ के आधार पर ये बात भी सामने आई है कि उसके द्वारा कुछ फर्जी लोन भी इसके माध्यम से किए जाते थे। यानी कि जो सोना वास्तव में उपलब्ध नहीं था, जो सोना गिरवी रखा गया था, उसी में से कुछ सोने को निकाल के पुनः उसके आधार पर कुछ लोन भी पिछले कुछ दिनों में किए गए। और उस वारदात को, उन जो घोटाला उसके द्वारा किया गया उसको छुपाने के लिए इस लूट की वारदात को गैंग के माध्यम से अंजाम दिया गया। जो गैंग पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है उसके क्षेत्र में जो पंजाब हरियाणा राजस्थान में सक्रिय अन्य गैंग हैं उनके साथ कुछ संपर्क के सूत्र भी पता लगे हैं। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि केस में उसको चालान तक लेकर जाएं और उसमें केस ऑफिसर स्कीम में लेकर इस प्रकरण में मुलजिमानों को सजा दिलाने तक का पूरा प्रयास करें। इस घटना में जो टीम ने विशेष रूप से काम किया है और इतनी बड़ी वारदात का बहुत जल्दी खुलासा किया और पूरी रिकवरी करने में सफलता प्राप्त की है, उनके लिए प्रस्ताव, उनको रिवॉर्ड करने के लिए पुलिस मुख्यालय को भिजवाए जाएंगे और अन्य स्तरों पर भी उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। मैडम, इसमें कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही बरामदी करवाने में? इसमें जो CEO हनुमानगढ़ और SHO टाउन श्री लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में जो विशेष टीम है हमारी, राजकुमार हेड कांस्टेबल, नरेश कुमार हेड कांस्टेबल, पुरुषोत्तम हेड कांस्टेबल और राकेश रमाना कांस्टेबल, इनकी विशेष भूमिका रही है। इन्होंने पूरे क्षेत्र में मुखबिरों के माध्यम से सूचना प्राप्त की, जो घटना में गन पॉइंट पर जिन्होंने लूट की वारदात की, उसके अलावा उस क्षेत्र में आसपास उन गत कुछ दिनों में कौन कौन व्यक्ति आए गए, विभिन्न होटलों को चेक करना, CCTV फुटेज को खंगालना और उसके आधार पर घटना में संदिग्धों की पहचान करना और उस पहचान के आधार पर इस पूरी घटना को हम खोलने में सफल रहे, इसलिए इन लोगों का विशेष योगदान रहा है। मैडम, जो चोर है ज़्यादा हाईटेक है, पुलिस से आगे एक कदम बढ़ के चल रहे हैं, आगे क्या इसका आपकी तरफ से प्लान बनाया जाए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपने बैंक के अधिकारी हों चाहे उनसे सामंजस्य स्थापित करने की क्या योजना रहेगी? इस विशेष रूप से इस कंपनी विशेष रूप से इस कंपनी में जो लूट हुई है, इसमें जो ये चीज़ सामने आई है कि बैंक के कर्मचारी ने स्वयं ही ओवर द पीरियड जो बैंक की ये फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की जो प्रोसीजरल चूक थी उनका फ़ायदा उठाते हुए इसमें फर्जी लोन किए और फर्जी लोनों को छुपाने के लिए इस घटना को गैंग के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हम प्रयास करेंगे क्योंकि इस तरह की घटनाएं और भी कई कई जगह होती रहती है, तो उनसे संपर्क, जो इस तरह की गतिविधियों में जो कंपनीज लगी हुई हैं उनसे संपर्क करें और प्रयास करें कि हम सुरक्षा गार्ड है, CCTV कैमरे हैं, हालांकि इसमें लगे हुए थे, लेकिन जब हम देखते हैं तो ये बात सामने आती है कि प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को ओवररूल किया गया, जो सुरक्षा की ड्रिल होती है उसको ओवररूल किया गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैडम, गैंग के कई तार और भी ऐसे गिरोह को सक्रिय से तो जुड़े हुए हैं, ऐसी कुछ जांच पड़तालों की बात सामने आई? इसमें विशेष रूप से जो 7 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उसमें पवन, जो कि पुलिस थाना रावतसर निर्वाल का रहने वाला है, उसके कुछ पूर्व में सोपू गैंग और दूसरे कई गैंगों से पुराने में संपर्क रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आई। बरामदगी टोटल 6,136 ग्राम सोना जो है कंपनी के द्वारा लिखवाया गया था कि हमारा गया है, इसमें से हमने 4,862 ग्राम रिकवर कर लिया है। 841 ग्राम फर्जी लोन था, हालांकि कंपनी की तरफ से कागजों में गायब है, लेकिन वो वही सोना था जो उसी में से निकाल के वापस, 841 ग्राम तो वही जो अब वास्तव में सोना था ही नहीं और उसी को पहले वाले सोने को ही दोबारा गिरवी रख के और इस तरीके से किया गया, तो उसकी तो रिकवरी संभव नहीं है। इसके अलावा लगभग 350-400 ग्राम ऐसा आइटम था जो जैसे आभूषणों के साथ जो धागा लगा होता है, मोती लगे होते हैं,
उनको इन्होंने काट के जला दिया, और उसके संबंधित साक्ष्य हमने जले हुए के साक्ष्य है, जिस जगह पे जलाया वहाँ से साक्ष्य वो रिकवर किए हैं, तो इसमें लगभग 99% रिकवरी हम करने में सफल रहे हैं। अपने जिले में तो मामले में तो हम ये देखने आया है कि मोस्टली तो बैंक में से लूट होती है ना, तो बैंक अधिकारी कर्मचारी बोल रहे थे। ये जनरली जो प्रोसीजरल लैप्स, जैसे हमने इनसे पूछताछ की तो ये चीज़ सामने आई कि जो बाहर से इनकी ऑडिट होती थी, तो ऑडिट में होगा ऑडिटर हर चीज़ एक खुद चेक करेगा, खुद टिक करेगा, ऑडिटर ने दो चेक किए साथ में, इसी को बिठा लिया, इसने एक की जगह दो टिक लगा दिए, उसको पता ही नहीं लगे, क्योंकि जब एक साथ आदमी हज़ार चीज़ चेक करेगा तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें। इसी तरह से ये चीज़ भी सामने आती है कि जो कंपनी को रेगुलरली ऑडिट के अलावा जो सीनियर ऑफिसर्स आके चेक करते हैं, रेगुलर सुपरविज़न करते हैं, उसमें वास्तव में वो उस तरीके से हो ही नहीं रहा था। तो ये जो है बड़ी प्रोसीजरल चूक, जो कंपनी ने नॉर्म्स तो बनाए पर वो नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इस तरह की वारदातें ज़्यादा हो जाती हैं। फर्जी लोन उठाने के वही नींव डल गई थी इस क्राइम की, मुख्य रूप से इस क्राइम की नींव वहीं पर। जी, जिस प्रकार से चोर या फिर जिस प्रकार से लूट के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, काफ़ी वादे से गुल्लू वाला मामले में आ गया, मोबाइल भी जैसे नहीं देखे, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने, इसमें साइबर एक्सपर्ट जो हैं या कैमरा जिन्होंने सेट किया है, जो आपकी अवे कमांड टीम है, वो अच्छी मेहनत करती है, तो उनका नाम क्यों नहीं आ गया था? मतलब अभय कमांड टीम का आप कह रहे हैं? अभय कमांड टीम है, साइबर एक्सपर्ट काम करते हैं, जैसे पुलिस के जो हॉस्टल वगैरह उनका नाम आता है साइबर, तो आजकल मेरे हिसाब से सब जितने भी मामले सॉल्व होते हैं वो साइबर एक्सपर्ट के मार्फत ही लगभग शो होगा। नहीं, इस केस में जिनका आया है एक्चुअल में उन्हीं का नाम दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ही सब जगह घूम घूम के और ये सारी फुटेज निकलवाई है। नहीं, जहाँ पर्टिकुलर योगदान होता है वहाँ तो हम नाम देते हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा प्रचारित हम भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अपनी लिमिटेशंस हैं, और बहुत बार जो बैकड्रॉप में काम करते हैं वो सामने आना भी नहीं चाहते। सक्रिया का मामला हुआ, गुलवाला का मामला हुआ, इन मामलों में साइबर एक्सपर्ट के खूब योगदान रहे, ऐसे बहुत सारे। नहीं, उनको रिवॉर्ड किया जाता है, उनको रिवॉर्ड किया जाता है, उनका नाम भी टीम में शामिल होता है, पर विशेष रूप से बताया नहीं जाता है कि ये साइबर एक्सपर्ट है वो है, क्योंकि हम भी उसको प्रचारित नहीं करना।